नमस्कार, लाइव उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्वेता वर्मा। सियाचिन ग्लेशियर में सेना के एक पेट्रोलिंग टीम के तूफान में फंसने के कारण 4 जवान शहीद हो गए। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर से ये दिल दहलाने वाली घटना से सेना के परिवार समेत देश में सभी आहत हैं। ये जवान बर्फीले तूफान में फंस गए उस समय जब 8 सदस्यीय टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। ये घटना आज तड़के 3:30 बजे की है। इसके अलावा इस बर्फीले तूफान ने 2 नागरिकों की भी जान ले ली। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। इस बर्फीले तूफान की चपेट में आने के बाद रेस्क्यू टीम तुरंत हरकत में आई। सभी जवानों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां 4 जवानों ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। अन्य 7 लोगों को बचाने के लिए डॉक्टर्स की टीम लगातार गहन चिकित्सा कर रही है, लेकिन सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी जवान पेट्रोलिंग तूफान में फंस गए थे, जिससे ये हादसा हुआ। सभी जवान नॉर्दर्न ग्लेशियर में मौजूद थे। मालूम हो कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात तैनात रहते हैं। वहां हिमस्खलन की घटना होती रहती है। इससे पहले भी फरवरी में कुपवाड़ा जिले में हिमस्खलन से 3 जवानों की मौत हो गई थी। इससे पहले भी फरवरी में कुपवाड़ा जिले में हिमस्खलन से 3 जवान की मौत हो गई थी। इसी साल जनवरी में ही लेह लद्दाख में बर्फीले तूफान और बर्फ का पहाड़ खिसकने से खार दुंगला दर्रे के पास 5 लोगों की जान चली गई थी। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें लाइव उत्तराखंड। नमस्कार।